गाड़ी वगैरह गाइस आरु के पापा गाड़ी बुलाएंगे तो आरु हाथ कर करके बोल रहा है इधर आ इधर आ इधर देखो चमचा चमचा देखो चमचे को फुल चमचा है पापा का फर्स्ट क्या इतनी सारी कहाँ से आ गई पास से गया था।
तो गाइस इवेंट में तो चल रहा था बहुत तेज म्यूजिक, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया हुआ है। हम लोग काफ़ी टाइम के बाद ऐसे अच्छे से मिले थे, मतलब मिल तो हम जल्दी जल्दी जाते ही हैं इवेंट वगैरह में, बट प्रॉपर तरीके से ना आज काफ़ी दिनों के बाद एक टेबल पे बैठ के हमने काफ़ी ज़्यादा बात वगैरह भी करी और मजाक हंसी मजाक जो भी होता है बहुत देर तक हम लोग साथ में रहे। वरना हम लोग मिलते हैं ना तो जल्दी जल्दी रहता है, इतना टाइम होता नहीं है, बट अब की बार तो काफ़ी टाइम था। सारे के सारे काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें करी, सब लोगों ने खूब मजे करे। और यहाँ पे चल रही है आरू की पूरी पैम्परिंग, क्योंकि पूरे ग्रुप में आरू ही आया हुआ था, सबके बच्चे घर थे। वैसे आरू भी घर पर ही रहता बट वही है, घर पर कोई नहीं था तो इस वजह से उसको लेकर गई थी मैं। और इवेंट में हमने बहुत मज़े करे, और फिर आते ही घर पर मैं इतना थक गई थी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। फिर आके आरू को थोड़ा सा खाने को दिया और उसके बाद कोशिश करी कि मैं लड़के को सुला दूँ, बट वो सोया नहीं। तो इवेंट से आते ही ना मैंने अपना 2-3 प्रमोशन का काम किया, क्योंकि स्मॉल बिजनेस वाला जो था ना उसके कूरियर वगैरह पैक करने थे, वो सब किए, ठीक है। और उसके बाद अब भूख लगने लगी है, 10 बज रहे हैं। और आरू के पापा तो इवेंट से आने के बाद, उनके एक फ्रेंड की शादी थी तो वो लोग गए हैं मेरे ससुराल में, मतलब जहाँ उनका घर है गाँव में, तो वहाँ गए हुए हैं। तो वो तो सुबह में ही आएंगे, और अभी मुझे अपने लिए खाना बनाना है और मेरे भाई के लिए। तो मैं सोच रही थी पास्ता बना लेती हूँ, इजी है, जल्दी से बन जाएगा। और आरू सो गया, क्योंकि आरू को आज मैं इवेंट में लेके गई थी और इवेंट में वो इधर उधर घूमता रहा तो थक गया वो बेचारा ज़्यादा। और अभी थोड़ी देर पहले अदिति भी आई थी, तो एक साथ सारी अपडेट बता रही क्योंकि अदिति आ गई है, तो फिर थोड़ी देर तो आपको पता ही है। अदिति आने के बाद तो फिर मैं बात बात में लग गई थी, कुर्सी रखी है मैंने क्योंकि दूध रखा हुआ है, दूध देख रही थी, और ऊपर से वो भी निकालना है मैकरोनी का। तो मैं बनाने वाली हूँ पास्ता, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ताम धाम करने का मन नहीं है, भूख लग रही है क्योंकि सुबह मैंने इवेंट में ही खाया था, थोड़ा सा खाया था जो बस, और बाकी अब डिनर बनाना है। और जब अकेले होते तो डिनर बनाने में आना चाहता है, बट सही है मेरा भाई है, अगर मेरा भाई नहीं होता ना तो नमकीन वगैरह जो पड़ी होती है हमें वो खा के सो जाती, क्योंकि अकेले में बनाती नहीं हूँ अपने लिए। तो चलो मैकरोनी बनाते हैं, लगे हाथ दूध भी उबल जाएगा क्योंकि आरू सो रहा है, आरू का कुछ पर भरोसा नहीं है, वो 3-4 घंटे से सो रहा है तो अभी वो उठ भी सकता है, तो जल्दी से ना खाना खा के मैं भी उसके पास लेट जाऊंगी तो वो सो जाएगा, सुबह उठेगा वरना अभी उठ जाएगा। लॉक के चक्कर में ना अभी दूध भी निकल जाता, बच गया गाइस, देखो मिनट मिनट बचा है बिल्कुल। मतलब मैं लॉक कर रही थी ना तो इतना पीछे से आवाज़ आई निकलने की, दूध निकलता निकलता बच गया। ये हो गई हमारी मैकरोनी बॉयल, और इधर पास्ता का मसाला रेडी हो रहा है। फिर जल्दी से वैसे 5-10 मिनट ही हुए होंगे मुझे किचन में आए, तो मेरा डिनर तो रेडी हो गया मेरा और शुभम का, दूध भी बॉयल हो गया है, थोड़ी सी किचन में कपड़ा मार दूँ, मेरे पास हो गया काम। अपने हर एक व्लॉग के अंदर बोलती हूँ कि मुझे कुकिंग नहीं आती, ठीक है, बट कभी कभी मैं कोई ऐसी चीज़ बना देती हूँ ना कि मतलब खाते ही रह जाती हूँ। मेरा दूसरा बाउल है, और आज मतलब मैकरोनी तो खैर मैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट चीज़ मैंने मैकरोनी बनानी सीखी थी, तो मैकरोनी तो मैं स्टार्टिंग से टेस्ट बनाती हूँ, बट आज जो एक अलग फ्लेवर आया ना, वाओ, मतलब पेट भर गया बट मन नहीं भरा, बहुत टेस्टी मैकरोनी बनी आज तो, मज़ा आ गया गाइस। क्योंकि आज मैंने अपने तरीके की बनाई ना, जब कोई ना कोई रहता है ना तो मैं उसके तरीके की बनाती हूँ कि कम मिर्च वैसे वैसे, आज मैंने प्रॉपर अपने तरीके की बनाई कि मतलब ज़्यादा मसाले ज़्यादा मिर्च वगैरह वगैरह करके एकदम परफेक्ट बनी है।